हाँ सर, किसका? ओके गांव के खेत खलियाने आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी गेहूं कनक की कटाई के बाद दोबारा से जोत दिया गया है और यहाँ पे अभी मक्के की खेती बीज मक्के की बीज बो दी गई है। ये गांव का नेचुरल वाटर, नेचुरल जिसको झरना या पानी कहें, ये काफ़ी फिल्टर और मिनरल वाटर से भी काफ़ी टेस्टी है। दिखाई दे रहा है ज़मीन की ओर से ये पानी निकलता है। आप पानी पियो, वहाँ पानी पियो, पानी पियो। देखिए हमारे साथ में आए हुए जो कलीग जो है वो पानी पी रहे हैं, इसके बाद मैं भी पानी पीऊँगा। कैसा है पानी का टेस्ट लप्पा भाई? ओह यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा गर्मी, धूप होते हुए भी गर्मी नहीं लग रहा है। रीजन क्या है ना, पेड़ पौधे हैं। यार नजदीक है यार लपा भाई। नहीं सर अभी और है, अभी दिल्ली दूर है। उधर से नहीं, थोड़ा इधर अच्छे रास्ते से चलो, जहाँ पे पैर टिक सके। अच्छे अभी इधर से कहाँ से उतरना भैया? अभी आपको दिखाई दे रहा है ये बयान करने काबिल भी नहीं, रास्ता की हालत ऐसा है जैसा कि अगर कहीं पैर टिक जाए कहीं अटक जाए तो वही सही है, अदरवाइज कितना मुश्किल है और हो सकता है इन रास्तों से नीचे उतरना। आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखता हुआ और यहाँ पे कुछ टहनी के ऊपर पानी गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये टहनी बल्कि एक स्पेशल टाइप का जो पेड़ है उसका टहनियाँ कटिंग करके घास, गाय वस्तु को घास खिलाने के बाद जो इसका हिस्सा स्टीम बच जाता है, उस स्टीम को जो है पानी के नीचे 15-20 दिन के लिए रखा जाता है और उसके बाद उसका स्टीम का बाहर का पील जो है नरम हो जाता है। उसको निकालने के बाद इसमें स्पेशल टाइप का फाइबर होता है जिसको एक गाय भैंस को बांधने के लिए जो रोप होता है, रोप बनाने का काम आता है और उसी का प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कैसे गांव में पानी के लिए टेप बनाया जाता है, देखिए केले का बाहर का छिलका निकाल के उसको एक टेप का रूप दे दिया गया, मार्ग दिया गया। हाँ एक नंबर पर आप जैसे भी ऐसे घने जंगलों में और पहाड़ों में और छोटे छोटे रास्तों से जब अपना ट्रैवल यात्रा शुरू करोगे, बीच बीच में आपको कई सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेगा जो अनछुए और अनदिखा। और इसी तरह इसमें देखिए ये पानी, हालांकि हम इसके ऊपर से निकले थे तो वहाँ कहीं पे भी पानी नहीं था और बीच में सडनली कहीं ये पानी नेचुरल वाटर निकला है और ये बहता हुआ नीचे चिनाब नदी की ओर जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ये पानी कल कल बहता हुआ झरना के रूप में बहता हुआ पानी और आसपास बहुत ही सुंदर खूबसूरत हरियाली और इन्हीं पेड़ पौधों में पंछियाँ सुमधुर स्वर में गीत गाते हुए एक अलग अलग तरह के आवाज़ निकालते हुए। सच कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है इस खूबसूरती को बयान करने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और ये मई की गर्मी का महीना, बसंत ऋतु का महीना और बसंत ऋतु में पतझड़ के बाद
सारे पेड़ पौधों में नया कलियां और पत्ते और पूरे चारों तरफ हरियाली और ये सुनसान जगह। और इसी रास्ते से अगर कोई एक अनछुआ और अनदेखा जगह में जाने का देखने का अगर मौका मिले तो आप समझ सकते हैं कितना आनंद आएगा और आता होगा। इसी तरह मुझे भी इसी तरह का आनंद आ रहा है और मैं मेरे इस आनंद को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये छोटा छोटा जो नाला और यहाँ पे कैसे इन पत्थरों के ऊपर गिर रहा है तो पूरी तरह एक खूबसूरत झरना का रूप ले रहा है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर से काफ़ी कम मात्रा में पानी है, बहुत छोटा एक नाला है और यहाँ से जब पानी है यहाँ पे ढलान में जब गिरता है इन पत्थरों के ऊपर से गिरता है तो बहुत ही खूबसूरत एक झरना का रूप देता हुआ। और नीचे की ओर देखें तो काफ़ी गहरी खाई है और ये गहरी खाई पानी जो है नीचे ये छोटा सा नाला चिनाब में जाके मिलती है। और एक और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ में लटकता हुआ एक गोला दिखाई दे रहा है। ये गोला नहीं बल्कि ये एक स्पेशल टाइप का जो रिंगल कहा जाता है, जो एक मधुमक्खी की तरह होता है लेकिन बड़ा होता है, वो जो शहद नहीं बनाता है लेकिन मधुमक्खी का शहद जरूर चुरा कर खाता है और काफ़ी जहरीला होता है। माना जाता है कि अगर इस 7-8 रिंगल ने अगर आपको डस दी है तो आपको किडनी में इम्पैक्ट आ सकता है। और उसका ये घर है, अस्थाई घर है और इसके अंदर छुप के वो रहते हैं और इसके अंदर अंडा देता है। और यहाँ बहुत ही मुश्किल है। अलपा भाई थोड़ा सूरज सर को भी बोलिए थोड़ा स्पेशल थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे क्योंकि काफ़ी मुश्किल है। थोड़ा सा ये अगर पैर फिसल जाएगा तो सीधे नीचे खाई में, फिर उसके बाद वहाँ से रेस्क्यू करने का कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे वी हैव टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस। बल्कि ऐसा लग रहा है कि आपको अंदाजा नहीं, चलना पड़ेगा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे शायद कभी कभी कभार लोग चले होंगे, चलने का रास्ता बनाया है तो यहीं से है, लेकिन बहुत ही डरावना रास्ते का दृश्य। और सामने की ओर से ऊपर से और एक छोटा सा नाला आ रहा है। अलप्पा भाई हम लोग लगभग चिनाब में पहुंच गए, नीचे चिनाब नज़र आ रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यार। सच में मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और सच में जो हमने मेहनत किया है इस जगह तक पहुंचने का अपने आप में काबिल तारीफ है। और ऊपर से सर थोड़ा स्पेशल केयर लेके प्लीज़ थोड़ा देख के चलने का, उस आसपास के थोड़े झाड़ियों को पकड़ते हुए नीचे उतरिए क्योंकि यहाँ पे नीचे उतरना काफ़ी थोड़ा सा भी अगर पैर फिसल जाए तो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। आप